तो भाई लोग यार पूरा खून खौल रहा है। मैं बिना वीडियो के कुछ कहने पे मैं आपको सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, इस वीडियो को वायरल करो, हर एक बंदा को वायरल करना है। ये पारस भाई का मुंह देखो भाई, नाक की पूरी हड्डी तोड़ दी। ये सब क्या हुआ ये भी बताता हूँ भाई, बस वायरल करना इस वीडियो को। मैं नहीं जानता पूरा, मैं सिर्फ उनके उनके हित के लिए कह रहा हूँ भाई। मैं इनको देखते आ रहा हूँ, कितने 2-3 महीने हो गए, उससे भी ज़्यादा हो गया। मैं इनको देखते आ रहा हूँ भाई, मेरा खून खौल गया सही में पूरा। इतना गंदी फटी ना भाई मेरी। क्या हुआ था ना, इनने ना एक पॉपुलैरिटी करके एक वीडियो बनाई थी, ओके, इनने पॉपुलैरिटी करके एक वीडियो बनाई थी। तो उसमें एक डाकू डाकू नाम का एक बंदा था, वो पॉपुलैरिटी में सबसे ऊपर था। तो इनने कुछ नहीं बोला यार उसको, इनने कुछ नहीं बोला। उसने ना पता हूँ क्या किया, सबसे पहले तो नंबर बड़ी जुगाड़ वुगाड़ करके ढूंढा, ठीक है। उसके बाद कॉल पे पारस भाई को उसने इतनी गंदी गाली दी, खत्म, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। अब सुनो, उसके बाद कहीं से एड्रेस पता किया, सुबह 6 बजे भाई ये पारस भाई घर आके, इनकी पहले मम्मी ने रिंग बेल बजाई थी, तो इनकी मम्मी ने देखा कौन है, तो उसने बोला पारस का, पारस से बात करनी मेरे को। जैसे इनकी मम्मी ने गेट खोला पारस भाई की, उसने डाकू ने धक्का दिया पारस भाई की मम्मी को, और पारस भाई का हाल तो देख ही लो क्या हाल किया है भाई, खून खोल के भाई। इन पता है इनके पापा तक नहीं है पारस भाई के, इतना स्ट्रगल किया, अभी भी ये जेल में चले गए थे भाई। ये अब ये सक्सेसफुल होने के बाद ये स्ट्रगल नहीं देख सकता भाई मैं, नहीं भाई। ये यूट्यूब क्या है, ये फालतू में यूट्यूब में ऐसी मारा पिट्टी हो रही है भाई, ये क्या है भाई यूट्यूब की एक वीडियो के चक्कर में भाई। नहीं भाई, बस मैं इतना चाहता हूँ फटाक से भाई लोग इस वीडियो को सब पुलिस तक पहुँचनी चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए, खत्म। मैं कुछ नहीं जानता।